जिस रॉक पेंटिंग को दिखाने के लिए हम लोग पूरे पहाड़ से उतरे थे बड़ी सावधानी से, वो रॉक पेंटिंग इस वक्त आपके सामने है और मेरे कैमरे में है। ये देखिए, आपको सांची का स्तूप दिखा रहा था, अब मैं अपने भाई के साथ निकल चुका हूँ सतधारा के लिए। सतधारा भी एक बौद्धिस्ट प्लेस है जो कि सांची से जुड़ी हुई है। तो अभी हम लोग जो है बाइक से उधर भी नहीं निकल रहे हैं और थोड़ी देर में जो आपको वहाँ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो साथियों, इस वक्त मैं सांची से निकल आया हूँ और सांची से भोपाल रोड पर जब आप आओगे तो वहाँ पर आकर आपको एक रास्ता मिलेगा। ये देखिए, ये आप पीछे देख रहे हैं। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जब आप सांची से रास्ते से सीधे ये आप देख सकते हैं भोपाल रास्ता है, आओगे तो एक रायसेन रोड मिलेगा तिराया, जहाँ से रायसेन के लिए मुड़ते हैं और एक होता है भोपाल की तरफ। तो यहाँ पर क्या एक बौद्ध वृक्ष लगा हुआ है जो कि किन्होंने लगवाया था भैया? श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने जो है उन्होंने जो इसकी आधारशिला रखी थी। और इस वृक्ष की खासियत बता दूं बौद्ध वृक्ष की, यहाँ पर 24 घंटे CRPF लगा होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वहीं पे। तो साथियों, मैं उस जगह पे पहुँच गया हूँ जो जगह मुझे आपको दिखानी थी। दरअसल हम लोग जो सतधारा के लिए निकले हुए हैं, लेकिन उस बीच भैया ने मुझे एक जगह बताई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बौद्ध वृक्ष लगा हुआ है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ये बौद्ध वृक्ष लगाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ोटो भी लगा हुआ है जिसमें प्रकाश अम्बेडकर भी हैं, जिनको मैं जानता हूँ, और भी इसमें कई सारे लोग हैं लेकिन उनको मैं नहीं जानता हूँ। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इसमें दिख रहे हैं। तो ये ज़मीन जो है आप देख सकते हैं, इसके जो पूरा जो एरिया है आसपास का, इसमें दरअसल बौद्ध यूनिवर्सिटी बननी है, उसके लिए इसको आरक्षित किया गया और इस पर लिखा हुआ है 21 सितंबर 2012। तो 21 तारीख 2012 को इसका जो है आधारशिला रखी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वृक्ष लगा हुआ है जिसको बौद्ध वृक्ष का नाम दिया गया है। अब मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जालियाँ लगी हुई हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ, और काफ़ी बड़ा हो गया ये पौधा। साथ ही मैं आपको एक विशेष सूचना बता दूँ, यह बौद्ध वृक्ष दुनिया का एक ऐसा वृक्ष है जहाँ 24 घंटे CRPF पुलिस लगी होती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक कमरा टाइप का बना है, इसी में जो CRPF के जवान 24 घंटे इस वृक्ष की निगरानी करते हैं। तो ये इस वृक्ष की एक खास पहचान है। अब चलिए मैं आपको इसको फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर जो 24 घंटे रहते हैं? जी हाँ। यहाँ पर लगभग कितने जवानों को जो ड्यूटी पर रहते हैं दिन में? हमारे यहाँ पे 5 जवान रहते हैं, 1 NCO और 4 सैनिक रहते हैं। 4 सैनिक रहते हैं। जी हाँ। और आप सब लोगों की जो 24 घंटे के लिए यहाँ पर लगाई गई ड्यूटी? 24 घंटे हम लोग यहाँ पे ड्यूटी रहते हैं। जी धन्यवाद। तो अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो 24 घंटे CRPF के 2 से 4 जवान रहते हैं, और अभी 4 जवानों की ड्यूटी लगी हुई है फिलहाल ये हैं, और बाकी के जो शायद उधर बैठे होंगे। तो इस तरह से इसकी सिक्योरिटी रखी जाती है। इससे आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण जगह है। आपको बता दूं, यदि आप सांची के रास्ते से आते हैं सतधारा जाने के लिए, आज मैं सतधारा की तरफ निकल पड़ा हूं, तो आपको मैं बता दूं यदि आप सांची के रास्ते से आते हैं तो आप एक पीछे एक पुल टाइप का देख रहे हैं। जैसे ही आप इस पुल को क्रॉस करोगे, सलामतपुर को जैसे ही क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पर एक सामने बोट देखने को मिल जाएगा। ये बोट लगा हुआ है, इस बोट पर लिखा हुआ है सतधारा दर्शनीय स्थलीय 7 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर। और यदि आप इधर पीछे आप देख रहे हैं ये रास्ता जो आ रहा है वो भोपाल की तरफ से रास्ता, और यदि आप भोपाल के रास्ते से आते हैं तब भी आपको यहीं उतरना होगा, और आप सीधे यहाँ से उतरते हुए ये ऐसे टर्न लेते हुए ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये पक्का रास्ता, एक पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ, तो आपको इसी रास्ते से जो सीधा जाना है। तो अब हम निकल रहे हैं बाइक से सतधारा की तरफ जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर है।
तो चलिए साथियों, मैं आपके साथ एक जानकारी और शेयर कर दे रहा हूँ। जब आप सतधारा के लिए आओगे तो पूरी रास्ते आपको नहर का किनारा मिलेगा, एक मतलब आप एक नहर के किनारे किनारे होते हुए आना होगा। और जब आप आ जाओगे ना तो आप इधर देखिएगा, इस तरह से बोट लगा हुआ है बौद्ध स्तूपा सतधारा की तरफ आपको मुड़ना होगा। और एक रास्ता जो सीधा गाँव की वो निकल गया, तो आपको गाँव की तरफ नहीं जाना, बोट का विशेष ध्यान रखकर आपको मुड़ना है। तो फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच गया हूँ सतधारा। तो मेरे पीछे एक बोट लगा हुआ है, ये मैं फिलहाल आपको बता दूँ, इस पर लिखा हुआ है बौद्ध स्मारक सतधारा। जैसा कि साथियों आप इस पर पढ़ सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है बौद्ध स्मारक सतधारा। बौद्ध स्मारक समूह सतधारा की खोज एके कलिंगन ने की थी, जो कि सत साहित्य द्वारा, हालांकि वैशाली नदी की तट किनारे की पहाड़ी पर स्थित है। सतधारा का शब्द है सहस धारा का अपभ्रंश। मौर्य सम्राट अशोक 268-232 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर स्तूपों का निर्माण कराया था। सतधारा में बने विशाल स्तूप क्रमांक 1 का मूल रूप ईंटों का बना हुआ है, जिसका बाद में शुभाशकों द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में बोट देख रहा था, उस बोट पर लिखा हुआ था अशोक सम्राट ने उस समय बौद्ध के प्रचारक के रूप में जो 84,000 स्तूप बनाए थे, उन स्तूप में से कुछ भाग जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, इस पर लिखा स्तूप क्रमांक 8 या 8। तो यहाँ पर आप सामने देख लीजिए, ये देखिए एक स्तूप जो है यहाँ पर बना हुआ है और बाकी के स्तूप जो है आगे रास्ता बना हुआ है उधर को बने हुए हैं। तो एक एक करके मैं जो आपको पूरे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को आगे देखते रहिए। मुझे तो ये टोटल जंगल लग रहा है, शेर वगैरह तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे जंगल लग रहा है, तो मैंने कहीं शेर वगैरह हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, टूरिज्म प्लेस है, जंगल ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सैलानी यहाँ पर आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी काफ़ी लगे हुए हैं, तो हमें कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए, जैसा कि हम बात करते करते चले आ रहे थे, तो हमें कुछ और दिखाया, वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए स्तूप नंबर 7। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लगभग 8 स्तूप हैं और 8 स्तूप में से 7वां स्तूप ये है। ये देखिए, बिल्कुल आप नीचे देख सकते हैं, नीचे नदी बनी हुई है, नदी के तट पर बने हुए हैं। तो साथियों, ये देखिए स्तूप नंबर 6। ये देखिए पीछे जो स्तूप नंबर 6 है, और सामने आप मेरे देख पा रहे हैं, वो सामने वो दिख रहा है आपको स्तूप, वो स्तूप नंबर जो है 5 है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 8 स्तूप हैं, जहाँ तक की बोर्ड पे जो जानकारी थी। और अब आप मेरे पीछे देखिए, सॉरी इधर से, ये देखिए स्तूप नंबर 4। और ये स्तूप नंबर 4 था जो आप मैं देख सकते, और ये स्तूप जो है सही से निर्माण नहीं, इनके कुछ टूटे फूटे हुए हैं। और 5वां स्तूप जो अभी मैं आपको दूर से दिखा रहा था, वो 5वां स्तूप आप एक बार पास से देख लीजिए, ये रहा, ये 5वां स्तूप है जो अभी आप मेरे कैमरे में देख पा रहे हैं। यदि आपने अंजुल भैया की वीडियो देखी हुई सतधारा वाली, तो उन्होंने रॉक पेंटिंग का जिक्र किया था, तो अब मैं जो रॉक पेंटिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रास्ता है बौद्ध स्तूप 6 से होते हुए हमें नीचे की ओर जाना है। मकसद से मैं सांची से निकला था अपने भैया के साथ, आज मेरा वो मकसद पूरा हो रहा है।
जिस रॉक पेंटिंग को दिखाने के लिए हम लोग पूरे पहाड़ से उतरे थे बड़ी सावधानी से, वो रॉक पेंटिंग इस वक्त आपके सामने है और मेरे कैमरे में है। ये देखिए, ये रेड कलर का कुछ दिख रहा है, यही रॉक पेंटिंग है। और इधर साइड में आप देख रहे हैं मेरी उंगली के इशारे पर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, बहुत भगवान बुद्ध की एक तस्वीर बनी हुई है, उसमें थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं, यही भगवान बुद्ध की तस्वीर बनी हुई है। तो देखा आपने, इसी को दिखाने के लिए मैं करेरा सिपरी से चलकर सतधारा भोपाल पहुँचा हूँ। इस वक्त आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं ये रॉक पेंटिंग है, और इस पर जो है किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी में पढ़ना आता है। अब मैं आपको जो भगवान बुद्ध की एक तस्वीर दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, इस वक्त आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं ये भगवान बुद्ध की एक तस्वीर बनी हुई है, और आशा करता हूँ कैमरे का मैं आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। ये देखिए, इस वक्त आप ये देख रहे हैं ये भगवान बुद्ध की एक तस्वीर बनी हुई है, और उस तरफ एक रॉक पेंटिंग बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बना हुआ है जो कि रेड कलर टाइप से कुछ बना हुआ है, और इसमें कोई भाषा लिखी हुई, जिस भाषा का मुझे जानकारी तो नहीं कि ये जो किस भाषा में है, लेकिन ये है कि यहाँ पर कुछ रॉक पेंटिंग टाइप का कुछ बना हुआ है। और मैं यदि आपको नीचे का नज़ारा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितना गहरा है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा भी अगर फेर फिसला तो आप यकीन मानिए आप नीचे जा सकते हो। तो यही मेरा मकसद था, आज का वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद इतना था कि आपको जो ये रॉक पेंटिंग, और पीछे आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति, और जो रॉक पेंटिंग एक और बनी थी, इस तरह की लगभग यहाँ पे 3 पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और इन्हीं पेंटिंग्स को दिखाना आज मेरा मकसद था, और आज मेरा मकसद पूरा हुआ। और आपको मैं बता दूँ, यदि आप यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा सिक्योरिटी से आइए, वैसे ज़्यादा कुछ भी ख़तरा नहीं है, क्योंकि उतरने में इतनी भी मुझे परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप कम से कम 2 से 3 लोग आइए, जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आप जो नीचे उतर सक। तो इस वक्त आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको जो रॉक पेंटिंग दिखाई, अब मैं ऊपर आ गया हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से जो यहाँ पर जा सकते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बौद्ध स्तूप नंबर 6 बना हुआ है, 6 के बगल से ही रास्ता जाता है, और नीचे की तरफ आपको उतरना होगा। बस ध्यान रखें कि आपको सावधानी से उतरना होगा। तो साथियों, ये है स्तूप नंबर 2। तो इस वक्त आप जो स्तूप नंबर 2 देख रहे हैं, और मैं अब ये स्तूप के थोड़ा पास में जाने वाला हूँ, ताकि इस स्तूप में और जो स्तूप थे वो एकदम गोलाकार के थे, लेकिन ये स्तूप जो है थोड़ा कमरा, जैसे कमरा बोल सकते हैं आप, कमरे टाइप का बना हुआ है, और इसके अपन जो है ऊपर तक मैं जा सकता हूँ। और आप देखिए, मैं ऊपर आ गया हूँ। ये देखिए, ये स्तूप नंबर 2 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी आप मेरे कैमरे में। ये देखिए, ये स्तूप नंबर 2 है, और नीचे की तरफ देखने में मुझे डर लग रहा है, आपको दिखाऊं एक बार। ये देखिए, तो पीछे आप मेरे नदी देख रहे हैं, और ये सतधारा इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो 7 धाराओं से जो पानी बहकर नदी तक पहुँचता है, इसलिए जो है इसको सतधारा कहा जाता है। साथियों, आप देख सकते हैं सांची में जो महाबोधि महोत्सव के तहत मेला चल रहा है, तो उसको देखने के लिए तमाम धम्मसाथी पूरे देश से इकट्ठा हो रहे हैं। उसी के कुछ रूप में कुछ लोग जो थे आए हुए थे, वो भी सतधारा घूमने के लिए आए हैं। तो साथियों, अभी आप पीछे देख पा रहे हैं एक स्तूप ये भी बना हुआ है, लेकिन इस स्तूप को जो नाम नहीं दिया गया है, शायद ये स्तूप नंबर 3 है। और चूँकि हमें, जब मैं आ रहा था तो मुझे स्तूप नंबर 8, स्तूप नंबर 6, 7, 5 और 2 और 1 दिखा था, लेकिन अभी मुझे 3 नहीं दिखा था, तो शायद 3 होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो है 8 स्तूप बने। तो साथियों, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये स्तूप नंबर 1 है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं।